हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए रजा फोटोग्राफी एंड टेक्निकल चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने बेल आइकन को दबा लो सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। शौक करने के लिए आप सबको ये सब मैं अपने पास रखा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए इस गर्मी में। ये सब सिंगल बच्चे निकले था मेरा, देख सकते हैं बहुत बढ़िया नस्ल का है, एकदम नया आइज है, रेड भी नहीं है, गोल्डन भी नहीं है, बहुत बढ़िया आइज है भाई, एकदम मेरा खुद का घर का ब्रीडर का बच्चा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखिए इनके आइज देखिए भाई, देखिए उड़ाने के लिए, ये सब उड़ाने के लिए, ये सब नॉर्मली 8 घंटा उड़ लेगा ट्रेन करने के बाद। ये क्या कल दुमा आएगा? ये कल दुमा, प्योर कल दुमा आएगा, पूरा वाइट हो जाएगा, इधर सिर्फ पूंछ रहेगा। इसके आइज आप अच्छे से देखिए, ग्रीन टोन है और दाने दाने में भी है, धूप नहीं है ज़्यादा तो। धूप नहीं है, धूप होता तो आपको क्लियर दिखता। इनके पर देखिए, इनके सबके पर मैंने थोड़ा बांध के रखा है, एक एक बहुत बढ़िया होता है, पर कांपता है देखिए, जो ओरिजिनल कबूतर बहुत बढ़िया नस्ल का होता है उनके पर ऐसे कांपता ही रहता है, ठीक है। ये सब 6 पर का बच्चा हो गया है, पंज देखिए फिर से एक बार भाई, इसकी आइज देख लीजिए आप, ऐसा आइज आपको दिखने में नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। ये सब उड़ने वाला कबूतर है। अच्छा, अभी आपके पास सेल के लिए क्या है? सेल के लिए बहुत प्यार भी है, ब्रीडर पेयर भी मैं कुछ छोड़ने वाला हूँ क्योंकि बहुत कबूतर हो चुका है भाई, तो इसलिए मैं कुछ कबूतर छोड़ दूंगा, किसी को भी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेबी भी मिल जाएगा? बेबी भी मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया नस्ल का है भाई, आप देखिए पंजी देखिए।